हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा थी कि हाँ मैम ये बताइए कि कौन कौन से कॉलेज है। आखिर हम जानते हैं, वहाँ पे देख रहे हैं कि 135 बीएड कॉलेज इन बिहार जिसमें 154 कोर्स है, लेकिन हमको क्या जानना है कि 135 कॉलेज आखिर बिहार में है तो कौन कौन से है पूरे बिहार में। इसमें मुंगेर, रोहतास, समस्तीपुर, रांची ऑल टू ऑल आएगा, इसलिए बाद में ये मत पूछिए कि मुंगेर में होगा तो कोरमा में होगा। ओके, तो आई होप कि यू आर अंडरस्टैंड। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप पुराने हैं तो हमें लाइक कर दीजिए। चलिए, यहाँ पे देखते हैं कि बिहार बीएड कॉलेज कौन कौन से कॉलेज है, आखिर 135 कॉलेज है, क्योंकि आपको कॉलेज की नाम पता होनी चाहिए। और जब आप फॉर्म भरोगे तो एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि मैं तो नहीं जानती हूँ कि कौन से आप लोग। वैसे तो कॉलेज आपको लिस्ट के अनुसार मिलेगा, बहुत सारे कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए भी दिया जाएगा, तो एक बार चेक कर लेना वो एफिलेटेड है या नहीं। एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है सेमी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है पूर्ण रूप से वो सरकारी होता है, और सेमी गवर्नमेंट का मतलब होता है वो आधा सरकारी और आधा प्राइवेट होता है। तो हो सके तो उसकी मान्यता, कभी कभी कुछ कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसकी मान्यता भी रद्द हो जाती है, इसलिए देख लेना एक बार, कोशिश करना कि हम देख लें कि इस कॉलेज, गूगल करोगे, गूगल पर लिखोगे जिस कॉलेज में जाना है और वहाँ पर लिखना इसकी मान्यता रद्द है या नहीं है, क्योंकि बाद में कहीं पछताना ना पड़े कि हाँ कॉलेज में नाम तो लिखा लिए पैसे देकर और मान्यता रद्द हो गई। तो यहाँ पर देखिए, पहला कॉलेज है मिर्जा गालिब टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। आपको यहाँ मैं साइट बता दूंगी, यहाँ से आप फोन करके भी पूछ सकते हो कॉलेज में डायरेक्ट। तो मिर्जा गालिब टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है और ये MGTTC, ये कहाँ है, पटना में ही है। फिर ये दूसरा इस्लामिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, तो ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है और ये भी पटना में ही है। फिर है डॉक्टर SP सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन DSPCT, ईस्ट चंपारण में है ये। फिर तीसरा, चौथा है ये संत जेवियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये पटना में ही है और ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है। यहाँ से भी करने के बाद आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, अगर इसमें भी हो जाता है तो काफ़ी वेल एंड गुड है। पटना वुमेन्स कॉलेज है, तो ये तो पूर्ण रूप से सरकारी है, आपको पता ही है कि ये सरकारी कॉलेज है। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा अप्रूव्ड बाय NAC AICTE UGC ज्वाइंट कमीशन, तो इसको तो यहाँ पे देखिए टाइप कौन सा है, तो गवर्नमेंट है। ये ऐसे ही आप देखकर पता लगा सकते हैं, ठीक है, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। यहाँ पे मैं आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ, शायद ये बड़ा भी हो जाएगा। हाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गवर्नमेंट कौन कौन से कॉलेज है, तो ये गवर्नमेंट है कॉलेज, तो गवर्नमेंट लिखा रहेगा और साथ साथ UGC से इसकी मान्यता प्राप्त है, तो ये कॉलेज कभी भी आपको रुलाएगा नहीं, इसकी मान्यता कभी भविष्य में रद्द नहीं होने वाली है। तो ऐसे हम गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हम चेक करेंगे। फिर देखिए दूसरा है वित्तायन बीएड कॉलेज है, ये नालंदा में BVC कॉलेज, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, तो ये एक प्राइवेट कॉलेज है। देखिए पूरी जानकारी जान लीजिए कि आपको प्राइवेट कॉलेज में, मैं तो कहूँगी अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे, खैर 30 तारीख को रिजल्ट का वेट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा ना कि 90 प्लस जाते हैं या 75 प्लस जाते हैं, इसलिए अपने मन से अनुमान या तुक्का ना मारे कृपया कर। मैंने आंसर की में भी कहा था कि अपने मन से अनुमान ना लगाएं, जो आंसर की आएगा वही आंसर की हो, चाहे उनका गलत हो या सही हो, वो अपना वही मानते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो यहाँ पे देख लीजिए प्राइवेट है, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। फिर है अनुग्रह नारायण कॉलेज AN अनुग्रह नारायण कॉलेज, इसका भी मान्यता तो UGC से प्राप्त है, तो ये एक प्रकार से सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हुआ, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टाइप ऑफ प्राइवेट यानी कि प्राइवेट के थ्रू ही BEd करवाया जा सकता है, उनका नहीं है। फिर BN कॉलेज ऑफ एजुकेशन बांका में है, कहाँ पे है, तो ये बांका में है, ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। फिर BMA कॉलेज है, BMACB, ये दरभंगा में है, तो दरभंगा का ये भी कॉलेज क्या है, प्राइवेट कॉलेज है। फिर है तारकेश्वर नारायण अग्रवाल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज आरा में है, ये भी कॉलेज क्या है, प्राइवेट है, तो ध्यान से रखिएगा। यहाँ पे देखिए मैत्रिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट MCEM हाजीपुर, ये भी क्या है, प्राइवेट ही है हाजीपुर में। मिथिला टीचर ट्रेनिंग कॉलेज MTTC मधुबनी, तो ये भी प्राइवेट कॉलेज ही है। फिर है रमेश झा महिला कॉलेज RJMC सहरसा में है, तो सहरसा का भी ये कॉलेज आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिए कि आपका कौन सा, आपके शहर में जो कॉलेज है वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट, बाद में ये मत कहिए कि मैम आप तो बताए ही नहीं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए RK कॉलेज मधुबनी, ये मधुबनी का जो कॉलेज है वो क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज है। फिर है जगदम कॉलेज छपरा का है ये, तो ये भी कॉलेज क्या है, प्राइवेट है। फिर RB कॉलेज है समस्तीपुर का, तो ये भी कॉलेज प्राइवेट है। गंगा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग बेगूसराय में है, तो ये भी क्या है, गंगा कॉलेज वाले, तो ये प्राइवेट ही है।
लेकिन अप्रूव्ड मिला हुआ है एनएक्स से, तो ये सेमी गवर्नमेंट हो सकता है, यानी कि पूर्ण रूप से प्राइवेट नहीं है। लक्ष्मी नारायण कॉलेज वैशाली में है, तो ये भी प्राइवेट ही है। फिर यहाँ पे देखिए मुंडेश्वरी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, तो ये भी क्या है, प्रकार से प्राइवेट ही है। तो ये देखिए जिसके अंतर्गत आपको लिखा रहेगा नैक, आईटीसी, यूजीसी, तो वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होता है। और देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ओनली टाइप ऑफ प्राइवेट लिखा है, क्या लिखा है, तो ओनली टाइप ऑफ प्राइवेट यानी कि ये पूर्ण रूप से प्राइवेट है। अगर लेकिन इसी के अंतर्गत मैं आगे आपको दिखाती हूँ होगा। फिर ये देखिए एमएलटी कॉलेज है सहरसा में, तो ये कॉलेज प्राइवेट है, लेकिन ये प्राइवेट नहीं, पूरी तरीके से नहीं, ये सेमी गवर्नमेंट है, क्योंकि अप्रूव इसका एनसीटीजी से और यहाँ पे यूजीसी से इसका मान्यता प्राप्त है, इसलिए ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हुआ। अब वो कोई डिफरेंस, आपको डिफरेंस पता हो गया कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या अंतर होता है। चलिए आगे लिस्ट देखते हैं। फिर है बिमल विभूति कॉलेज, तो ये भी प्राइवेट ही है, लेकिन एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है। तो देखिए कोशिश कीजिएगा कि जिसका एनसीटी से, नैक से और यूजीसी से तीनों से मान्यता प्राप्त है, तो वो कॉलेज अच्छा होता है, मान्यता रद्द होने के चांसेस कम होती है। जिसका किसी एक से यानी कि एनसीटी से, तो इन सब की मान्यता रद्द होने की चांसेस रहती है, वैसे रद्द होते नहीं है, लेकिन हाँ कह नहीं सकते क्योंकि कब किसका मान्यता रद्द कर दे तो आपके पैसे बर्बाद चले जाएंगे। मगध टीचर ट्रेनिंग बीएड कॉलेज है औरंगाबाद में, तो ये भी प्राइवेट ही है। फिर है मिल्लत टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है एमटीटीसी मधुबनी में, तो ये भी प्राइवेट ही है। फोर्ट्सगंज कॉलेज है अररिया में, तो ये भी प्राइवेट ही है, AICTE से मान्यता प्राप्त है। फिर देखिए KS कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशनल KSC से पटना से है, तो ये भी प्राइवेट ही है। फिर ट्रीडेंट बीएड कॉलेज है यह आरा में है, तो ये भी प्राइवेट है। MP कॉलेज कैमूर भभुआ में है, तो ये भी प्राइवेट है, लेकिन इसकी मान्यता UGC से प्राप्त है, तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। श्री नित्यानंद झा ऑफ एजुकेशन मधुबनी में है, तो ये भी प्राइवेट सी है। माँ अरण्या देवी बीएड कॉलेज, तो अरण्या आरा में है, तो ये भी प्राइवेट ही है। तो आई होप कि अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको अब सारा कॉलेज है, आप यहाँ पे जाओगे, देखो मैं साइट का नाम बता देती हूँ, ये साइट का नाम है, आप यहाँ पे जाओगे, वैसे मैं लिंक भी इसमें मेंशन कर दूंगी, collegedekho.com, वहाँ पे लिखना बिहार बीएड कॉलेज, तो वहाँ से जाना और वहाँ से अपने कॉलेज को सर्च कर लेना जो आपके शहर में है। नहीं और उससे भी नहीं होगा तो एक ये काम कर लेना कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है या आप जिस शहर से बिलोंग करते हो, गया से हो, आरा से हो, छपरा से हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, वहाँ पे लिखना और वो अपने कॉलेज को सर्च करना। वहाँ पे अगर गवर्नमेंट लिखा होगा तो टाइप्स ऑफ, लेकिन इस पे बहुत अच्छा देता है कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट या टाइप्स ऑफ प्राइवेट आपको बता देगा। वहाँ से आपको कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा कि हाँ मेरा कॉलेज प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। आई होप कि आपको अब सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर हो चुका हो तो एक लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, आई होप कि आपको मेरा सेशन पसंद आया हो। तो आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो।